हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रीजनिंग में, ठीक है। अगर गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, राइट। आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। जो और लोग हैं उनको सक्सेस क्या दिखती है, अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो वो सोचते हैं इनको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है, ठीक है, इनको एक रात में सक्सेस मिल गई है। बट रियलिटी क्या है कि सक्सेस के पीछे आपकी लगातार मेहनत होती है। कई बार आप फेल होते हैं, कई बार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है और बहुत बार आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, लेकिन फिर भी आप एक डिसिप्लिन के साथ लगातार हार्डवर्क करते रहते हैं, वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ, तभी आपको सक्सेस मिलती है। सो गाइज, आई होप आप भी फुली डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली आप सबको सक्सेस मिलेगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। सो गाइज, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको एलिमेंट दिया है और क्या दिया होगा, यहाँ पर नंबर दिए होंगे, सिंबल दिए होंगे, अल्फाबेट दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको इनमें डिफरेंस पता हो, अगर नहीं पता तो भी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। देखिए एलिमेंट के अंदर क्या है, ये सारी चीजें एलिमेंट के अंदर आती हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं, फ्रॉम 0 to 9 नंबर। सिंबल क्या होते हैं, सिंबल होता है जैसे डॉलर का साइन हुआ, रुपए का साइन हुआ या फिर स्टार हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें सिंबल में आती है, परसेंटेज, कॉपीराइट, एडजरी, ये सारी चीजें सिंबल में आएंगी। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो अल्फाबेट में ए से लेके जेड तक सारी वर्ड्स आएंगे। बट अगर मैं अल्फाबेट में दो कैटेगरी होती है, एक होती है कॉन्सोनेंट और एक होती है बॉबल, ठीक है। तो बॉबल होती है, वो होती है ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू जो ये है ये बॉबल के अंदर आएंगे, और ए ई आई ओ यू के अलावा ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ड्स हैं उसमें ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी वर्ड्स होंगे वो कहाँ आएंगे, वो कॉन्सोनेंट में आएंगे, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आई होप आपने अभी तक बना लिया होगा, जिनको आता होगा। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है नंबर से पहले कॉन्सोनेंट और नंबर के बाद भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट का यहां जिक्र है तो ए ई आई ओ यू कॉन्सोनेंट में नहीं आते, इसको हमें माइंड में ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस हमें यहां पर शुरुआत किससे करनी चाहिए, हमें नंबर से शुरुआत करनी चाहिए। हम कर तो कॉन्सोनेंट से भी कर सकते हैं लेकिन नंबर से करेंगे तो हमारे लिए टाइम बचेगा, ठीक है। नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है बाद में भी कॉन्सोनेंट है, एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है। नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है बाद में भी कॉन्सोनेंट है, एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है। नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पेयर बने, यहाँ पर दो पेयर बने, ठीक है। अब अगर हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो कॉन्सोनेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट बहुत जगह है। तो गाइस देखो, बना हर कोई लेगा बट जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वालिफाई वही करेगा जो अपने टाइम को बचाएगा एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, राइट। तो आपको वो चीज़ें देखनी है जिनसे आपका टाइम बचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच एलिमेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। मतलब सिंबल, एलिमेंट एंड फॉलोड बाय अ नंबर। एलिमेंट से पहले सिंबल, बाद में नंबर होना चाहिए। अब गाइज हमें यहां किससे शुरुआत करनी चाहिए, हम यहां सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं और नंबर से कर सकते हैं। बट गाइज जो सीरीज दी है उसमें मुझे नंबर कम दिख रहे हैं तो हम नंबर से शुरुआत करते हैं। नंबर से पहले एलिमेंट और उसके पहले सिंबल। नंबर से पहले एलिमेंट है, सिंबल नहीं है। नंबर, नंबर से पहले एलिमेंट है, सिंबल नहीं है। नंबर एलिमेंट है, सिंबल नहीं है। नंबर एलिमेंट, सिंबल नहीं है। नंबर एलिमेंट सिंबल, एक हमें ये मिल गया। नंबर
नंबर एलिमेंट सिंबल एक हमें ये मिल गया, ठीक है। तो यहां पर कितने हुए, दो पेयर हुए, ठीक है। यहां पे नंबर दिया है लेकिन नंबर भी तो एलिमेंट में आता है, तत्व में आता है, तो ये भी उसे काउंट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी सच एलिमेंट्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। पूछा क्या है इन्होंने, एलिमेंट के बाद नंबर और पहले क्या, कंसोनेंट, ठीक है। तो गाइज हमें तो इसे नंबर से शुरुआत करना चाहिए। चलिए करते हैं। नंबर एलिमेंट यहां पर वोवेल है, कंसोनेंट नहीं है, इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। नंबर एलिमेंट फिर से वोवेल, इसे भी काउंट नहीं करेंगे। नंबर एलिमेंट फिर से नंबर, नंबर एलिमेंट कंसोनेंट, एक पेयर हमें ये मिल गया। नंबर एलिमेंट कंसोनेंट नहीं है, नंबर एलिमेंट कंसोनेंट नहीं है, नंबर एलिमेंट कंसोनेंट, एक पेयर हमें ये मिल गया। तो यहां पे कितने हुए, दो पेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच एलिमेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट एंड फॉलोड बाय अ सिंबल। सिंबल, एलिमेंट एंड कंसोनेंट, ठीक है। तो हमें यहां शुरुआत करनी चाहिए सिंबल से। देखिए एलिमेंट के बाद सिंबल चाहिए और हमें पहले कंसोनेंट चाहिए। सिंबल से पहले एलिमेंट और उससे पहले क्या होना चाहिए, कंसोनेंट होना चाहिए। सिंबल एलिमेंट है, कंसोनेंट नहीं है। सिंबल एलिमेंट है, कंसोनेंट, एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है। सिंबल एलिमेंट कंसोनेंट, एक पेयर आपका ये बन गया। सिंबल एलिमेंट कंसोनेंट, एक पेयर आपका ये बन गया। सिंबल एलिमेंट कंसोनेंट, एक पेयर आपका ये बन गया। सिंबल एलिमेंट कंसोनेंट, एक पेयर आपका ये बन गया। अब आप देखिए कितना इजीली हमने किया। अगर हम कंसोनेंट से करते तो हमें टाइम और ज्यादा कंज्यूम होता, ठीक है। तो यहां पर कितने पेयर हुए, यहां पर फाइव पेयर हुए, ठीक है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। फाइव टू टू टू, पांच पेयर यहां पर है, दो पेयर यहां पर है, दो पेयर यहां पर है और दो पेयर यहां पर भी है, ठीक है। चलिए अभी देखिए कुछ ऐसे भी एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें कोई ऐसा वर्ड दे दिया होगा और उन्होंने पूछा होगा कि इस वर्ड में आप बताइए कि लेटर के बीच में उतने ही अल्फाबेट कितने वर्ड्स में, कितने लेटर्स में है जितने के इंग्लिश अल्फाबेट में, यानी कि ए से लेके जेड के बीच में जितने डिफरेंस है उतना ही इन वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। तो इसमें इजी है, अगर इन्होंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूछा है, देखिए यहां पर मैं करके बताता हूं, ठीक है। अगर इन्होंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूछा है तो आप सीधे इस पर फिंगर रखिए और आगे काउंट करते जाइए और आगे काउंट करते जाइए, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हमें अपने थंब से नहीं करना है तो देखिए हम कैसे करेंगे। बी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, आगे कुछ नहीं करना। ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आता है, सी, ठीक है। एक पेयर हमें मिल गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। सी के बाद क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक पेयर हमें ये मिल गया, ठीक है। जे के सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई जे के एल एम एन ओ एन ओ पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई टी यू वी डब्ल्यू आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। यानी कि केवल यहाँ पे क्या होगा, दो पेयर्स होंगे, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए, अगर इन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन में भी पूछ लिया होता तो हम आगे बढ़ते जाते लेकिन हमें पीछे भी काउंट करना होता, ठीक है। अब जैसे वैक्सीनेशन में मैं आपको आगे और पीछे मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों का अगर बताऊं तो कैसे होगा, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें दो पेयर मिल गए, अब हमें केवल बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। ए के बाद बी नहीं आता, आगे बढ़ो, सी के बाद डी ई नहीं आता, सी के बाद डी ई एफ नहीं आता, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई एफ जी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आई जे के एल एम एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एम एन ओ, एक पेयर हमें ये मिल गया, ठीक है। एम एन ओ, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अगर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों पूछेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मतलब आगे और पीछे दोनों पूछेंगे, तो यहाँ पे
थ्री पेयर्स होंगे, ठीक है। बट गाइस मैं फिर से आपको यही बोलूंगा कि आप लिखने की जगह सीधे स्क्रीन पर थंब लगाइए एंड आगे और पीछे देखते हुए करते जाइए, उससे आपका टाइम बचेगा, कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको बताना है फ्रैक्शनेशन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। आप इसको घर पे होमवर्क कीजिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अब एक ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगर मैं ब्लड, मैं जैसे ब्लड रिलेशन बनाता हूं वैसे बताता हूं, मैं मेल को इससे डिनोट करता हूं एंड फीमेल को इससे डिनोट करता हूं, ठीक है। काफी सारे लोग मेल को प्लस से डिनोट करते हैं एंड फीमेल को माइनस से करते हैं, बट ये मेरा बनाने का तरीका है, ठीक है। और मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप भी इसी से बनाइए, आपको भी इजी होगा, ठीक है। देर आर 10 फैमिली मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इन अ थ्री जनरेशन फैमिली, मतलब जो फैमिली है वो थ्री जनरेशन की है, ठीक है, जिसमें कि तीन मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। आई इज डॉटर ऑफ बी, जो आई है वो डॉटर है किसकी, बी की, ठीक है। बी हु इज ब्रदर ऑफ जे, जो बी है वो जे का भाई है, ठीक है। जे इज सन ऑफ सी, जे जो है वो बेटा है किसका, सी का, यानी कि बी भी उसका बेटा होगा सी का। सी इज स्पाउस ऑफ ई, सी जो है वो स्पाउस है यानी कि पति या पत्नी है किसका, ई का। देखिए अगर आप हिंदी देखते हैं तो हिंदी में आपको इजी रहेगा, क्योंकि हिंदी में आपको सीधे देखो यहाँ पर दिया हुआ है ई का पति है, बट अगर इंग्लिश में है तो आप ऐसे जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आगे कुछ ना कुछ रिलेशन ना दिया हो, ठीक है। एफ इज मदर ऑफ ए, अब एफ जो है वो मदर है किसकी, ए की, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ डी, जो ए है वो ब्रदर है किसका, डी का, ठीक है। डी इज ग्रैंडसन ऑफ सी, डी ग्रैंडसन है किसका, सी का, ठीक है। आई हु हैज ओनली वन सिबलिंग, आई का केवल एक ही भाई या बहन है और वो कौन है, वो जी है, जी यहां पर आ जाएगा। अगर जी यहां पर आ गया और डी क्योंकि सी का पोता है यानी कि ग्रैंडसन है तो एफ यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और ए और डी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सी इज फादर इन लॉ ऑफ एच, सी इज फादर इन लॉ ऑफ एच यानी कि एच यहां पर आ जाएगी एंड सी का भी हमें जेंडर मिल गया, सी फादर है तो ई मदर इन लॉ होंगे, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू जी, जो सी है वो जी से कैसे रिलेट करते हैं, तो जो सी है वो ग्रैंडफादर हुए, ठीक है, यानी कि दादाजी हुए, ठीक है। ये देखिए ग्रैंडफादर, इसको मैंने आपको होमवर्क दिया है एंड टू, ठीक है गाइस। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, चलिए होमवर्क क्या, मैं आपको इसको बता देता हूं। पॉइंटिंग टू अ पॉलिटिशियन अ बॉय टेल्स आदित्य दैट आई एम, यानी कि वो जो बॉय है, ठीक है, आई एम द ओनली सन ऑफ दिस मैन, यानी कि जो पॉलिटिशियन है ये उसका इकलौता लड़का है और जो उसकी बेटी है एंड हिज डॉटर इज योर पेरेंटल आंट, उसकी जो बेटी है यानी कि जो इसकी बेटी है वो आप वो आदित्य की पेरेंटल आंट है यानी कि बुआ है, हिंदी में उसे बुआ बोलेंगे, ठीक है। बुआ का मतलब इसकी बहन यानी कि आदित्य जो है वो बॉय का बेटा हुआ, ठीक है। अभी बेटा या बेटी ये डिफाइन नहीं है, सॉरी, पेरेंटल आंट, ठीक है। हाउ इज स्पीकर यानी कि बॉय रिलेटेड टू आदित्याज मदर, आदित्य की मम्मी यानी कि इस बॉय की वाइफ, ठीक है, तो बी कैसे हुआ, बी हस्बैंड हुआ, यानी कि बी कौन हुआ, पति हुआ, ठीक है। चलिए ये एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन सेंस को बनाने से पहले आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए
देखो जो ऊपर है ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है, इस साइड ईस्ट होगा और इस साइड वेस्ट होगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस में आप बना के कीजिए, फिर आपको जब याद हो जाएगा फिर आपको बनाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिमल स्टार्ट मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये कितना मूव करते हैं, लेकिन हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि बिमल का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है, ठीक है। एंड रीच्ड पॉइंट एच आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर चलने के बाद ये पहुंचते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं, एच पॉइंट पर, ठीक है। नाउ ही टुक राइट टर्न एंड ट्रेवल 24 मीटर। अब अगर आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो यहाँ पर ये चलते हैं 24 मीटर तक, ठीक है, और पहुंचते हैं जे पॉइंट पर। यहां से ये फिर साउथ डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं और पहुंचते हैं पॉइंट के पर 20 मीटर के बाद, साउथ डायरेक्शन यानी कि नीचे। तो यहां से ये चले और ये पहुंचे 20 मीटर चल के, कहाँ पहुंचे, ये पॉइंट के पर, ठीक है। फाइनली ही टुक टू कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न्स। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न लेते हैं, यानी कि देखिए अगर नीचे आप फेस कर रहे हैं तो आपका राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है। तो पहला राइट लिया इन्होंने, ठीक है, और पहले राइट में इन्होंने 12 मीटर की डिस्टेंस चली, ठीक है। उसके बाद जब आप इस साइड फेस कर रहे हैं तो आपका राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा, तो राइट इन्होंने लिया और यहां पर ये कितना चले, यहां पर ये चलते हैं 8 मीटर, ठीक है, और पहुंचते कहां हैं, ये बार पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर ये 8 है और ये 12 है तो ये टोटल 20 हुआ, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगी ये 12 होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर आप ऊपर की तरफ फेस करें तो अपने आप को वहीं फेस करा के अपना राइट और लेफ्ट देखिए, वही राइट आपका यहां पर भी होगा, ठीक है। चलिए हस्बैंड, ठीक है, एंड 12 24 20 12 8, 12 24 20 12 8, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, ये वाला भी सेम है जो मैं करा चुका हूँ, होमवर्क है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं कराया तो मैं आपको इसको भी एक बार बता देता हूँ। विच अमंग्स द फॉलोइंग एलिमेंट इज 17 टू लेफ्ट ऑफ 5th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उल्टी डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मतलब एंड से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। राइट एंड से कौन सा एलिमेंट पूछा है, 5th एलिमेंट, यानी कि राइट एंड यहाँ है, इस एलिमेंट से 5th एलिमेंट जाना है हमें, ठीक है, और 5th एलिमेंट से फिर लेफ्ट जाना है, 17 17 एलिमेंट और लेफ्ट जाना है, ठीक है। चलिए पहले एक बार नॉर्मल बनाते हैं, उसके बाद बताता हूँ इसे और कैसे बना सकते हैं, ठीक है। राइट साइड से 1 2 3 4 5, 5th एलिमेंट ये है, ठीक है, 1 2, अब 5th एलिमेंट से 17 लेफ्ट और जाना है, मतलब बाई और जाना है, कितना, 17 17वें स्थान तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो गाइस ये आपका आंसर हुआ। अब इसको हम और कैसे बना सकते हैं, देखिए ये यहां से 5th एलिमेंट और 5th से 17 एलिमेंट, 17 और 5 अगर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों ऐड कर देंगे, यानी कि सीधे हम राइट हैंड साइड से 22th एलिमेंट अगर हम निकाल लें तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर हम निकालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं जैसे आपका मन करे। अब ये वाला आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आज जो हमने पढ़ा है आज हमने पढ़ा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है।
आई होप आपको समझ आया होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा हमने आज ब्लड रिलेशन भी पढ़ा, डायरेक्शन सेंस भी किया, ठीक है। तो गाइज हम आई होप ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, और आगे जो हम करेंगे वो हम ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन किया करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको और भी जो चीजें हैं वो भी समझ में आए, ठीक है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, राइट। चलिए वीडियो को फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।